So hi guys, it's me Kamil and you're watching K Production YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने YouTube की वीडियो के अंदर मीम्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपने देखे होंगे छोटे से लेकर बड़े यूट्यूबर जो कि पॉपुलर यूट्यूबर वो लोग भी अपनी वीडियो पर मीम्स यूज करते हैं। मीम्स यूज करने की वजह से उनका जो वीडियो देखने में और ज़्यादा अच्छा लगता है, वीडियो जो है काफ़ी फनी हो जाता है। और इस वीडियो पर मैं आपको ये भी बताऊंगा, मैंने एक मीम्स का पैक बनाया है सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो पॉपुलर मीम्स है उन सभी मीम्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करके सभी मीम्स को एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा काइनमास्टर वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन का। अगर आपके पास काइनमास्टर नहीं है तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो काइनमास्टर ओपन करने के बाद आप सिंपली प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करेंगे। यहाँ से आप अपनी वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लेंगे 16:9। उसके बाद आप मीडिया ब्राउजर के ऊपर क्लिक करके सिंपली अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे जिस वीडियो पर आप मीम्स ऐड करना चाहते हो। यहाँ से जैसे कि देख सकते हो मैं एक वीडियो को ऐड कर रही हूँ, तो हमारा जो वीडियो है जैसे कि देख सकते हो नीचे टाइमलाइन पर ऐड हो चुका है। तो इसको आने पर सिंपली हमें डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं दूसरा वीडियो को भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसी वीडियो के साथ मैं कोई दूसरा वीडियो जोड़ लेता हूँ ऐसे नॉर्मली आप लोग को सैंपल दिखाने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो वीडियो को ऐड कर लिया। अभी आप मान लो यहाँ पर अपनी वीडियो पर मीम्स ऐड करना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आप सिंपली कैची के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसे कर देंगे स्प्लिट। जहाँ पर भी आपको मीम्स ऐड करना है उस जगह पर आपको स्प्लिट कर लेना है। ये जो आपको कर्सर दिखाई दे रहा है रेड कलर का, उस कर्सर को आप वहाँ पर लेके जाइएगा, उसके बाद उस जगह पर कट कर लीजिएगा यानी स्प्लिट कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर हमें मीम्स ऐड करना है, तो मीम्स ऐड करने के लिए सिंपली आप मीडिया ब्राउजर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी फोल्डर को चूज करेंगे जो कि देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ मीम्स पैक फॉर यूट्यूबर्स। तो ये रहा जितने भी पॉपुलर मीम्स है उन सभी मीम्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस पैक के अंदर। लाइक यहाँ पर हम बॉलीवुड का एक मीम्स है जो कि देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये रहा। तो अभी हमने इसको अप्लाई कर लिया, तो यहाँ पर हमारा ओरिजिनल वीडियो होगा, तो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो हमारे वीडियो पर जैसे कि देख सकते हो मीम्स ऐड हो चुका है। अभी आप यहाँ पर वो चीज़ भी सेट कर सकते हो कि कितनी सेकंड का आपको मीम्स चाहिए अपनी वीडियो के अंदर। अगर आप एक सेकंड का लगाना चाहते हो तो उस कलर को आप उस पर लेके जाइएगा, देन आप कैची के ऑप्शन पर क्लिक करके राइट ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर लीजिएगा, देन वाले जो पार्ट है डिलीट हो जाएगा, जो पार्ट आप रखना चाहते हो सिर्फ उसी पार्ट ही रहेगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप चाहो तो छोटा क्लिप भी अपनी वीडियो पर यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो आप बड़े से बड़े क्लिप को भी अपनी वीडियो पर यूज़ कर सकते हो। सेम तरीके से अगर आप यहाँ पर डालना चाहते हो तो इस तरीके से आप मीडिया ब्राउजर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप अगेन फोल्डर को चूज़ कर लेंगे और यहाँ से आप मीम्स को सिंपली ऐड कर लेंगे। ये रहा मीम्स को मैंने ऐड कर लिया, अभी मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी वीडियो पर मीम्स ऐड कर सकते हो। अगर आपको कट करना है किसी भी पार्ट तो राइट ऑफ प्लेट या फिर आप यहां से ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट भी कर सकते हो। इसी तरीके से जहां पर भी आपको अपनी वीडियो पर मीम्स ऐड करना है तो आप उस तरीके से मीम्स ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो पर जितने भी मीम्स ऐड करना चाहते हो उन सभी मीम्स को ऐड कर सकते हो। अपनी वीडियो पर मीम्स ऐड करने के बाद आप राइट लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे, देन यहां से आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। कौन सी रेजोल्यूशन में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और कौन सी फ्रेम रेट होना चाहिए FBPS, तो वो चीज़ आप यहां पर सेट कर लेंगे, देन एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके सिंपली आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को आज की इस वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखने के लिए।